नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। बेगूसराय में आस्था के नाम पर लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल बेगूसराय के मनुसरचक प्रखंड के आगापुर में वर्षों से लोग नाग पंचमी के अवसर पर विषैले सांपों को पकड़कर अपने गले एवं हाथों में उठाते हैं। इतना ही नहीं, भगत के द्वारा नदी में डुबकी लगाकर सैकड़ों सांपों को भी निकाला जाता है, लेकिन प्रशासन लाख प्रयास के बाद भी इसे रोकने में बेबस नजर आती है। आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। 1981 से ये माता भगवती की स्थापना आगापुर में, और सौभाग्य से मेरे ही दरवाजे पर मेरे स्वर्गीय चाचा स्वर्गीय डोमन महतो जी उस समय जीवित थे, और उन्हीं के द्वारा ये उस समय स्थापित किया गया था। और उस समय से ये प्रकाश पासवान जी भगत थे और यही माता की पूजा करते थे, पूजा करते आ रहे थे। उसके बाद उनके जाने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, हमारे ही ग्रामीण प्रमोद जी थे, प्रमोद पासवान जी भी वर्तमान में माता की सेवा में रहते हैं। और ऐसी परंपरा रही है कि यहाँ जो माता की कृपा कहा जाए, ऐसी मान्यता है, ऐसा देखा गया है कि अभी तक हमारे गांव में इस तरह की, जब से माँ की स्थापना हुई है, तो कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिला। तैयारी लगभग 2 माह पूर्व से ग्रामीणों के द्वारा बैठक करके इसकी कमेटी है और ये इसका संचालन करते हैं, माता की पूजा करते हैं। सभी ग्रामीण और बाहर से भी, दूर दूर से भी लोग आके माता की पूजा आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं। कि प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे, ये तो भगत जी ही बताएंगे कि आखिर ये सांप कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, इसकी जानकारी तो भगत जी देंगे। हम लोग तो आते हैं और यहाँ नदी में देखते हैं कि भगत जी डुबकी मारते हैं, सांप निकाल लेते हैं। अब ये कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये तो भगत जी। अरवल पुलिस द्वारा कुर्था मुसहरी में छापेमारी कर लगभग 300 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया। दरअसल सूचना के आधार पर कुर्था पुलिस ने कुर्था डीह स्थित मुसहरी के कई घरों में छापेमारी की, जिसमें महुआ शराब बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जावा महुआ को जब्त किया गया। हालांकि शराब बनाने वाले लोग पुलिस की भनक लगते ही फरार हो गए। राजधानी पटना में बिहार पुलिस संविदा चालक संघ ने गर्दनीबाग में जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 11 वर्षों तक कार्य करने के बावजूद अब इनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर संविदा कर्मी पंकज कुमार ने कहा कि 2010 में बिहार पुलिस संविदा चालक में विज्ञापन के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। वहीं फरवरी मार्च 2011 से ही हम सभी लोग कार्यरत हैं, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है कि अब हमारी सेवा 31 जुलाई 2021 को समाप्त कर दी जाएगी। आपको बता दें कि संविदा कर्मियों को 60 साल रखे जाने को लेकर 13 सितंबर 2018 को मुहर भी लगी थी। वहीं 15 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर भाषण दिया था। बावजूद इसके अब इनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है। मैटर ये है, बिहार पुलिस संविदा चालक पर हम लोगों की नियुक्ति हुआ था, बजाबते विज्ञापन के तहत 1/2010 के तहत नियुक्ति हुआ था। फरवरी मार्च 2011 से अभी तक हम लोग कार्यरत हैं इस विभाग में। हम लोगों का, हम लोग जो हैं बिहार के विभिन्न जिला, सभी जिला 3800 जिला में हैं, निगरानी, रेल, HQRT, CID विशेष शाखा, सभी जगह हम लोगों का लड़के लोग कार्यरत हैं। अब पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 15/6/21 को, जिसमें इस लेटर का जिक्र किया गया है कि आपकी सेवा समाप्ति 31/7/21 को कर दिया जाएगा। मतलब बिहार पुलिस संविदा चालकों की जो सेवा चल रहा है उसको 11 वर्षों के उपरांत अब सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। इसी के खिलाफ हम लोग रोड पे आए हैं। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन जांच अभियान चलाकर पत्थरकटी के पास से एक ट्रक,
एक टाटा सुमो, दो सेंट्रो कार से 405 कार्टून देशी शराब और 40 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। साथ ही 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसे लेकर उत्पाद अधीक्षक सीमा चौरसिया ने कहा कि शराब व्यवसायियों पर विभाग की तीखी नजर है। शराब कारोबारी इस धंधे को बढ़ाने में कोई भी उपाय कर लें, परंतु उनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।